आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। सतना के रागांव में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार थमने के बाद भी कांग्रेस और भाजपा की जुबानी जंग कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा का रेगांव क्षेत्र में सतना सांसद गणेश सिंह से आमना सामना हो गया। प्रचार थमने के बाद बाहरी सांसद को क्षेत्र में देख कल्पना तमतमा गई। उन्होंने सांसद से कहा कि आप उठिए और तत्काल क्षेत्र से बाहर चले जाइए, और उन्होंने कहा कि 30 के बाद आकर आप यहां जलपान कर लेना। इन दोनों ही नेताओं के बीच कुछ देर बहस होती रही, इसके बाद सांसद वहां से उठकर चले गए। इस मामले में सांसद गणेश सिंह के साथ उनके पीए राहुल सिंह और शैलेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इन तीनों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 126 धारा 188 IPC के तहत नागांव थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल रेगांव विधानसभा उपचुनाव को लेकर 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। यहां अब बाहरी लोगों का क्षेत्र में रुकना प्रतिबंधित है। गुरुवार को भाजपा के सांसद गणेश सिंह सिद्धपुरा में जनपद सदस्य संजय मिश्रा के घर बैठे थे। क्षेत्र में उनकी मौजूदगी की जानकारी कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा को मिली तो तभी वह जनपद सदस्य के घर पहुंच गई। कांग्रेस प्रत्याशी वर्मा के तेवर देख सांसद वहां से रवाना हो गए। कांग्रेस प्रत्याशी ने सांसद को आचार संहिता के नियम बताते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, ठीक है, लेकिन आप बाहरी हैं, इसलिए आप यहां से उठिए और क्षेत्र से बाहर जाइए, यह मेरा विनम्र निवेदन है। सांसद ने कहा कि आप इसकी शिकायत कर दीजिए। वर्मा अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार सांसद वहां से उठे और अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। कांग्रेस ने इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को भी दी। सूचना के बाद SDM और तहसीलदार के नेतृत्व में FSD स्क्वाड मौके पर जांच करने पहुंचा और जांच के उपरांत तीनों लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। नहीं आ रहे हैं, दो दिन के लिए चुनाव बंद हो चुका है, फिर भी वो रेगांव विधानसभा में आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने उनको देखा कि यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सिद्धपुरा ग्राम पंचायत में, जबकि उनको नहीं आना चाहिए। जब वर्जित है तो वर्जित है, चाहे कोई निमंत्रण हो चाहे कुछ भी हो, उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। 30 तारीख के बाद बहुत सारे न्योता पानी करें, कोई मनाही थोड़ी ना है, वो तो सबके सब व्यक्तिगत संबंध होते हैं। आप करिए, आइए जाइए। आपने जब बात किया क्या बोला उन्होंने? अरे वो मेरे को बोल रहे हैं कि महारानी यहाँ से हटोगी, मतलब इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको बात करने का तरीका नहीं है, किस तरीके से बात की जाती है। मैं एक महिला हूँ और मुझसे वो तेज आवाज में बात कर रहे हैं, इस तरीके से जनता की सेवा करेंगे? बताइए, आज आप सांसद है तो कुछ भी करेंगे, कुछ को मतलब आपको कोई भी नहीं रोकेगा। सरकार है तो मेहमानी करेंगे, जनता सब देख रही है और जनता सबक जरूर सिखाएगी।